73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ 370 ଧାରାର ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସାକାର ହେଲା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋଦିଙ୍କ ଘୋଷଣା ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଦେଶରେ ତିନି ବାହିନୀରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ପାଳିତ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ବଳଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଖୋଲିଲା 16 ଗେଟ୍। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି 268,666 ଘନଫୁଟ ଜଳ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ। ଆଜି ଭାରତବାସୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧ, ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ, ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତା ରାୟ। ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। 92 ମିନିଟ୍ର ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଜୀବନଧାରାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का भी पर्व है। सदियों से चली आई ये परंपरा भाई बहन के प्यार को अभिव्यक्त करती है। मैं सभी देशवासियों को, सभी भाइयों बहनों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ସରକାର ଗଠନ ହେବାର 73 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କି କି ବିକାଶ ତଥା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ନଈ ସରକାର ବନ୍ନେ କେ ବାଦ ଲାଲ କିଲେ ସେ ମୁଝେ ଆଜ ଫିର ସେ ଏକ ବାର आप सबका गौरव करने का अवसर मिला है। अभी इस नई सरकार को 10 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन 10 हफ्ते के छोटे से कार्यकाल में भी सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नए आयाम दिए गए हैं और सामान्य जनता ने जिन आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किए बिना हम पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपकी सेवा में मग्न है। संविधान धारा 370 एवं धारा 35A उच्छेद द्वारा लोह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वप्न साकार होइछि बोली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते द्वारा जम्मू काश्मीर रो विकास प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो। एहा एक अस्थायी व्यवस्था भाव एपर्यंत रही आसीथिला। पूर्व सरकार ना एहा को स्थायी करुथिले ना एहा को उच्छेद करुथिले। एबे तांको सरकार एहा को उच्छेद करी जम्मू काश्मीर पई विकास रो मार्ग को उन्मोचन करिछंती बोली से कहिछंती। नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम
भारत की दोनों सदनों ने राज्यसभा और लोकसभा ने दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। तीन तलाक प्रथार उच्छेद एनडीए सरकार एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन्ति। एहा द्वारा मुसलमान महिला को बहु प्रतीक्षित न्याय मिली पारिछि। जदि सतीदाह एवं बाल्य विवाह को आईन द्वारा उच्छेद करा जाय पारिछि तबे मुसलमान महिला को न्याय प्रदान दिगरे सांविधानिक व्यवस्था करा जिवरे कोनोसी प्रतिबंधक नाही बोली प्रधानमंत्री दृढ़ोक्ति व्यक्त करिछन्ति। हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर तीन तलाक की तलवार लटकती थी, वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। तीन तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी तीन तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया। आतंकवाद रो मुकाबला दिगरे प्रतिरक्षा बाहिनी रो अवदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूयसी प्रशंसा करिछंती। एही प्रसंग उल्लेख करी प्रधानमंत्री कहिछंती जे प्रतिरक्षा बाहिनी रो त्याग ओ बलिदान जोगु देश आज सुरक्षित रही पारिछि। आतंकवाद केवल भारत रो नुहे समग्र विश्व पई चिंतार कारण पलटिछि। एहार मूलोत्पाटन पई सामूहिक पदक्षेप लोड़ा। एबे सारा विश्व आतंकवाद को नहीं भारत दे आसीथिबा आह्वान को स्वीकार करिबा आरंभ करिछि बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। हमारे पड़ोस के देशों को भी आतंकवाद से तबाह करके रखा हुआ है। बांग्लादेश भी आतंकवाद से जूझ रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है, श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, कितनी बड़ी दर्दनाक बातें हैं। और इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं तब हम इस पूरे भूभाग के शांति और सुरक्षा के लिए भी हमारी भूमिका अदा करने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। देशर जल स्थल एवं आकाश बाहिनी मध्यरे समन्वय रक्षा लागि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदवी सृष्टि करा जीवो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिछंती। देशवासीक उद्देश्य देइथिबा अभिभाषण रे प्रधानमंत्री कहिछंती जे समयर परिवर्तन सह एई भली आवश्यकता को सरकार एबे साकार करिबाकु जाउछंती। दीर्घ दिनरु चीफ ऑफ स्टाफ पदवी सृष्टि पई प्रस्ताव रही आसथिला, सरकार एहाकु कार्यकारी करिबाकु स्थिर करिछंती बोली से कहिछंती। हमारी तीनों जल थल नभ, उनके बीच कोऑर्डिनेशन तो है, हम गर्व कर सके ऐसी हमारी सेना की व्यवस्थाएं हैं। किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व हो ऐसा हो, वे अपने अपने तरीके से आधुनिकता के लिए भी प्रयास करते हैं। लेकिन आज जैसे दुनिया बदल रही है, आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं, आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुस्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। एबे एक राष्ट्र एक संविधान एवं एक पताका स्वप्न साकार होईछि। एहा एक महनीय स्वप्न। सही भली गोटिए राष्ट्र, गोटिए टिकस व्यवस्था एवं गोटिए पावर ग्रिड परिकल्पना दिगरे सरकार कार्य करुछंती। एहा व्यतीत गोटिए राष्ट्र और गोटिए निर्वाचन व्यवस्था को मध्य वास्तव रूप दिया जाई पारिबो। ए दिगरे सबु राजनैतिक और चिंताशील व्यक्ति वितर्क जारी रखि सिद्धांत रे उपनीत हेबा सकाशे प्रधानमंत्री आह्वान जणाइछंती। वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। प्रधानमंत्री कहिछंती जे जल समग्र मानव समाज पई एक अत्यावश्यक वस्तु।
ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା ସକାଶେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଲାଗି ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ସକାଶେ ସରକାର 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले, और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे, और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ପାଲଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ଏହିଭଳି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଘର ମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ୟା ବାହାର ଚୌରାହେ ପର ପଡ଼ା ହୋ, ଗନ୍ଦୀ ନା, ସବ ଇକଠା କରେ। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या। लाल किला ठारु देशवासियों को उद्बोधन दे प्रधानमंत्री कहिछंती जे एबे देशर विभिन्न राज्य रे प्रलयंकरी बन्या व्यापक क्षयक्षति घटाई, एथिरे शताधिक लोकंकर जीवनहानि घटिछि, हजार हजार कोटी टंकार धन संपत्ति नष्ट होइछि। एहिभळि दुर्दिनरे देशवासी दुर्गत लोकंक प्रति सहानुभूतिशील होइ सेमाने पुणि किभळि निजर अंटा सळखि ठिया होइ पारिबे से दिगरे सहयोग करिबाकु आह्वान जणाइछन्ति। एहाद्वारा एक समृद्ध ओ सुदृढ़ भारत गठन होइ पारिबो बोली से कहिछन्ति। अति वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, कईयों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ, सभी संगठन नागरिकों का कष्ट कम कैसे हो, सामान्य परिस्थिति जल्दी कैसे लौटे, उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। ଦେଶସ୍ତରୀୟ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସମର ସ୍ମାରକୀଠାରେ ଦେଶର ଅମର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ କୋବିନ୍ଦ ସମର ସ୍ମାରକୀସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହ ସମର ସ୍ମାରକୀସ୍ଥଳଠାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଦେଶର ଅମର ଶହୀଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅମର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା ଓ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ସହ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଥିବା ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପରିସରରେ 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶ୍ରୀ ଶାହା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟପାଳ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ 370 ଧାରାର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗର ସମେତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। जम्मू कश्मीर के लोगों और लद्दाख के लोगों के विकास के लिए एक नया दरवाजा खोला है। इन परिवर्तनों के साथ आर्थिक विकास।
জম্মু কাশ্মীর কুপওয়াড়া জেলা স্থিত সশস্ত্র সেনা শিবিরঠার নর্দন কমান্ড পক্ষ আজ 73তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা যাই। এই অবসরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন সহ নর্দন কমান্ডর মুখ্য অভিবাদন গ্রহণ করে দেশের সুরক্ষা লাগি সদাসর্বদা জাগ্রত রহবা সহ আতঙ্কবাদী মোকাবিলা নিমন্তে প্রস্তুত রহবাক সে উপস্থিত সেনানী আহ্বান জনাই স্বাধীনতা দিবস পালন অবসরে জওয়ান মধ্যে মিষ্টান্ন বণ্টন করা। 73তম স্বাধীনতা দিবসর পূর্ব সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ দেশবাসীকে উদ্বোধন দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে নিজ বক্তব্য রাখিছেন। রাষ্ট্র নির্মাণ এবং দেশকে নূতন শিখরে পৌঁছাইবা সমস্ত নিজ নিজ স্তরের প্রয়াস করা সে আহ্বান দিয়েছেন। ধারা 370 উচ্ছেদ করা যাইবার জম্মু কাশ্মীর এবং লদাখের জনসাধারণ এর বিশেষ ফায়দা মিলব বলে রাষ্ট্রপতি কইছেন। দেশের এবে তিন তালাক ভি অভিশাপর ঘটিবার এদ্বারা মুসলমান মহিলা ন্যায় মিলে বলে রাষ্ট্রপতি দৃঢ়োক্তি প্রকাশ করেছেন। সরকার বিভিন্ন লোকাভিমুখী যোজনা প্রণয়ন দ্বারা দেশ বিকাশ পথে অগ্রসর হেউছি বলে বহুত অধিক লাভান্বিত হোগে। কবিদ ভি আব উন সবি অধিকারোঁ অর সুবিধাওঁ কা লাভ উঠা পায়েঙ্গে জো দেশ কে দূসরে ক্ষেত্রোঁ মে রহনে ওয়ালে নাগরিকোঁ কো মিলতি হ্যায়। ওয়ে ভি আব সমানতা কো মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়ক আজ ভুবনেশ্বরঠারে আয়োজিত রাজ্যস্তরীয় স্বাধীনতা দিবস পালন কার্যক্রমে যোগ দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা সহ অভিবাদন গ্রহণ করে এই অবসরে উদ্বোধন দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কহিলে যে অসংখ্য দেশপ্রেমী ভারতীয় ত্যাগ ও বলিদানর পরিণাম স্বরূপ আমাকে এই স্বাধীনতা মিলিছে। এখন সুরক্ষিত রাখা এবং দেশকে বিকাশ পথে আগেই নেওয়া লাগি সে সমস্ত সহযোগ কামনা করে কটকর বারবাটী স্টাডিয়ামে আজ জেলাস্তরীয় স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে। রাজ্য অর্থ ও অবকারী মন্ত্রী নিরঞ্জন পূজারী মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা সহ প্যারেডের অভিবাদন গ্রহণ করে সেইভাবে স্বরাজ আশ্রম ও পুরোনা জেল পরিসরে মধ্যে স্বাধীনতা দিবস পালন করা। ওড়িশা হাইকোর্ট পরিসরে আজ স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়ে যাই। হাইকোর্টর মুখ্য বিচারপতি জষ্টিস কে এস জাবেরী এই অবসরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এই কার্যক্রমে ওড়িশা হাইকোর্টর সমস্ত বিচারপতি বরিষ্ঠ আইনজীবী ও অন্য বিচার বিভাগীয় অধিকারী মানে উপস্থিত থাকলে। কটক সিডিএস স্থিত ওড়িশা জুডিশিয়াল একাডেমিরে আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস কার্যক্রমে মধ্যে মুখ্য বিচারপতি জষ্টিস জাবেরী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। সম্বলপুরঠারে 73তম জেলাস্তরীয় স্বাধীনতা দিবস মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই। রাজ্য শক্তিমন্ত্রী দিব্যশঙ্কর মিশ্র এই কার্যক্রমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এই অবসরে সে আয়োজিত প্যারেডের অভিবাদন গ্রহণ করে। কড়া সুরক্ষা মধ্যে মালকানগিরি জেলা সদর মহকুমাস্থিত ডিএনকে খেলপড়িয়াঠারে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই 73তম জেলাস্তরীয় স্বাধীনতা দিবস। জলসম্পদ এবং সূচনা ও লোকসম্পর্ক মন্ত্রী রঘুনন্দন দাস এই কার্যক্রমে যোগ দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত প্যারেডের অভিবাদন গ্রহণ করা সহ মন্ত্রী শ্রী দাস স্বাধীনতা আন্দোলনের অগণিত সেনানীঙ্কর প্রতি স্মৃতিচারণ করে। কোরাপুট জেলা পুলিশ পড়িয়াঠারে জেলাস্তরীয় স্বাধীনতা দিবস কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে যাই। রাজ্য দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রী প্রেমানন্দ নায়ক এই কার্যক্রমে যোগ দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা সহ মিলিত প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করে। কোরাপুট এনসিসি যার প্লাটুন কমান্ডার হলে অজিত সুনা। নবরঙ্গপুর জেলা সদর মহকুমাঠারে 73তম স্বাধীনতা দিবস মহাসমারোহে পালিত হয়ে যাই। এই জেলাস্তরীয় কার্যক্রমে মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দিয়ে পর্যটন ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রকাশ পাণিগ্রাহী ত্রিরঙ্গা উত্তোলন করা সহ সম্মিলিত প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করে। কড়া সুরক্ষা মধ্যে মাওপ্রবণ রায়গড়া জেলার জিসিডি হাইস্কুল পড়িয়াঠারে 73তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়ে যাই। হস্তন্ত্র ও বয়নশিল্প মন্ত্রী পদ্মিনী রিয়াল এই উৎসবের মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা সহ মিলিত প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করে। খোর্ধার বক্সি জগবন্ধু বিদ্যাধর উচ্চ বিদ্যালয় খেলপড়িয়াঠারে আয়োজিত হয়ে যাই 73তম জেলাস্তরীয় স্বাধীনতা দিবস। কেন্দ্রাঞ্চল রাজস্ব আয়ুক্ত অনিল কুমার সামল এই কার্যক্রমে মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করে। খোর্ধা রোড রেলবাই স্টাডিয়াম পরিসরের আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস পালন কার্যক্রমে রেলমণ্ডল প্রবন্ধক শশিকান্ত সিং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।
छत्रपुर पुलिस पड़ियाठे गंजाम जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम महासमारोह पालित हो जाए। जिलापाल विजय अमृत कुलांगे आयोजित कार्यक्रम में जातीय पताका उत्तोलन कर सम्मिलित परेड में अभिवादन ग्रहण करते। जिलार भंजनगर दिगपहंडी सोरडा आसिका खलिकोट और हिंजिली आदि स्थान में स्वाधीनता दिवस पालित हो जाए। ढेंकानाल स्टेडियम ठारे आज अनुष्ठित हो जाए 73वां स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम। राज्य कृषि और उच्चशिक्षा मंत्री अरुण कुमार साहू कार्यक्रम में जातीय पताका उत्तोलन कर अभिवादन ग्रहण करते। जगतसिंहपुर नवकृष्ण चौधरी स्टेडियम ठारे 73वां जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस पालित हो जाए। जिलापाल संग्राम केशरी महापात्र उत्सव में जातीय पताका उत्तोलन कर परेड में अभिवादन ग्रहण करते। अवसर में जिलार 5 जन स्वाधीनता संग्रामी को सम्मानित कर। बालेश्वर पुलिस लाइन पड़ियाठे आयोजित हो जाए जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस। यह अवसर में विज्ञान और वैषयिक साधारण उद्योग सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री अशोक चंद्र पंडा मुख्य अतिथि भाव जोगद जातीय पताका उत्तोलन करते। आयोजित सम्मिलित परेड में अभिवादन ग्रहण करने श्री पंडा समवेत जनता को उद्बोधन देते। भद्रक स्वयंशासित महाविद्यालय पड़ियाठे आयोजित हो जाए 73वां जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह। जिलापाल ज्ञानदास कार्यक्रम में जोगद जातीय पताका उत्तोलन करने परेड में अभिवादन ग्रहण करते। जाजपुर एनसी कॉलेज पड़ियाठे 73वां स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाए। राज्य विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास मुख्य अतिथि भाव जोगद जातीय पताका उत्तोलन करते। श्री दास सम्मिलित परेड में अभिवादन ग्रहण करने देशर अमर शहीद मान अवदान स्मरण कर। सुवर्णपुर स्वर्णप्रयाग स्टेडियम ठार अनुष्ठित हो जाए 73वां स्वाधीनता दिवस। जिलापाल मनीष बनर्जी आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोगद जातीय पताका उत्तोलन करते। अवसर से मिलित परेड में अभिवादन ग्रहण करने स्वाधीनता संग्राम अमर शहीद मान प्रति गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करते। तेस्तरीतम स्वाधीनता दिवस अवसर में अनुगुल जिला सदर महकुमा स्टेडियम ठारे अनुष्ठित हो जाए जिलास्तरीय पताका उत्तोलन कार्यक्रम। यही अवसर में मुख्य अतिथि भाव जोगद जंगल और परिवेश तथा संसदीय व्यापार मंत्री विक्रम श्री आरुक जातीय पताका उत्तोलन करते। आयोजित सम्मिलित परेड में मंत्री श्री आरुक अभिवादन ग्रहण करते। गजपति जिला पारालाखेमुंडी स्थित गजपति स्टेडियम ठारे 73वां स्वाधीनता दिवस पालित हो जाए। एथेरे राज्य सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री तुषारकांत बेहरा मुख्य अतिथि भाव जोगद पताका उत्तोलन करने प्यारेड में अभिवादन ग्रहण करते। बौद्ध जिला सदर महकुमा स्थित परेड पड़ियाठे 73वां स्वाधीनता दिवस महासमारोह पालित हो जाए। मुख्य अतिथि भाव जिलापाल ललाटेन्दु मिश्र जातीय पताका उत्तोलन कर आयोजित परेड में अभिवादन ग्रहण करते। देवगढ़ ठारे पालित हो जाए 73वां स्वाधीनता दिवस। यही अवसर में इंदिरा गांधी स्टेडियम ठारे आयोजित कार्यक्रम में जिलापाल सुधांशु मोहन सामल जातीय पताका उत्तोलन कर परेड में अभिवादन ग्रहण करते।
भवानीपाटना स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टाडियम ठार आयोजित हो जाए तेस्तरीतम जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस राज्य महिला और शिशु विकास तथा मिशन शक्ति मंत्री टुकुनी साहू एक कार्यक्रम में जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करते मिलित परेड अभिवादन ग्रहण कर मंत्री साहू स्वाधीनता संग्राम अमर शहीद प्रति स्मरण करते। बरड़ जज हाईस्कल पड़िया आज जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस पालित हो जाए जिलापा इंद्रमणि त्रिपाठी एक कार्यक्रम में जोगदे जातीय पता उत्तोलन करने परेडर अभिवादन ग्रहण करते जिलार भेस पाणीमरा रेमंडा कमगा पहाड़ श्रीगिड़ा लखनपुर और भेड़ेल आदि स्थान में स्वाधीनता दिवस पालित हो जाए। अवशिष्ट समाचार विज्ञापन पर पिलाटा पाणिया झाड़ा ही एत सरी ताको टिके ओआरएस देन ताल आपण माने मन रखुदु शिशु को तरल झाड़ा हेले ता शरीर जलीय अंश कमी जाए एवं देह सुखिला हो जाए पिलाटा शरीर निस्तेज हो जाए आखि भीतर को पशि जाए एवं चमड़ा थुकड़ा हो जाए। यही परिस्थिति रे शिशु को ओआरएस मिशा पा दिंतु यह प्रस्तुत होबार 24 घंटा पर्यंत रही पारे एथि सहित जिंक बटिका मध्य 14 दिन पर्यंत दिंतु। भाई और भौणी मध्यरे थिबा पवित्र संपर्क अतुट बंधनर प्रतीक स्वरूप आज देशव्यापी पालित होउछि रक्षाबंधन पर्व। एही अवसर में भाई हाथ में श्रद्धार प्रतीक स्वरूप भौणी माने रक्षासूत्र बांधि थांती। श्रावण पूर्णिमा अवसर में यह सर्वत्र पालन करा जाए रक्षाबंधन अवसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासियों शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइछंती। यह समाज में स्नेह भातृत्व और पारस्परिक श्रद्धा वृद्धि करिवारे सहायक हो बोली प्रधानमंत्री तांको वार्तारे कहिछंती। सारा राज्य में आज पालन राखी पूर्णिमा से भाई आज सारा राज्य में पारंपरिक रीति से पालित हो गमा पूर्णिमा और बलभद्र जन्मोत्सव। यही अवसर में आज राजभवन परिसर में रक्षाबंधन पर्व पालित हो राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल को पाने भेटी हाथ में राखी बांधा आशीर्वाद कामना करते समाज में भ्रतृत्व संहति और सौहार्द बजाय रखा लगी राज्यपाल से परामर्श देते। केन्द्रापड़ा जिलार आराध्य देवता श्री बलदेवजी पवित्र जन्मोत्सव आज महासमारोह पालन आज प्रत्युषरू श्री बलदेवजी मंदिर रत्न मंडप में 1,00,000 तुलसी अर्पण हो चतुर्धा मूर्ति को ब्रह्माभिषेक बेस से परंपरा अनुसार आज पूरी श्रीजगन्नाथ धाम भौणी सुभद्रा द्वारा प्रेरण कराइव राखी को श्रीजीव हस्त में बंधा जाए। अपराह्नु मंदिर परिसर में आरंभ होमयज्ञ सन्धार सुआर निजोग द्वारा भक्त मानक पिठाखीरी भोग मगणारे बंटन कार्यक्रम रही। सरकार अंतराज्य परिषद और अंतराज्य परिषदर स्थायी कमिटर पुनर्गठन करिछंती। परिप्रेक्षीरे विज्ञप्ति प्रकाश पाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतराज्य परिषदर अध्यक्ष रहिछंती। सबु राज्यर मुख्यमंत्री और केन्द्र मंत्रिमंडल 6 जन मंत्री स्थान पाई अंतराज्य परिषद में स्थान पाई केन्द्रमंत्री मैंने स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। यह परिषद को स्थायी आमंत्रित सदस्य भाव 10 जन केन्द्रमंत्री को सामिल कर अपरपक्ष पुनर्गठित अंतराज्य परिषदर स्थायी कमिटे स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह अध्यक्ष थे केन्द्रमंत्री निर्मला सीतारमण नरेन्द्र सिंह तोमार थावरचंद्र गेहलट और गजेन्द्र सिंह शेखावत और ओडिशा समेत 8 राज्यर मुख्यमंत्री को सदस्य भाव नि 16 राज्यर बयनशिल्प क्षेत्र में दक्षता विकास लगे उद्दिष्ट योजना समर्थ को आगे नेबा लगे नुआदिल्ली ठारे एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित सहभागिता निमन्ते पूर्वर 18 राज्य सहमत होते तेबे सेमानक मध्यरु ओडिशा और जम्मू काश्मीर ए समारोह में उपस्थित होइनथिले। केन्द्र बयनशिल्प तथा महिला और शिशु कल्याण मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के उपस्थित यही सब राज्य मानक मध्यरे सहयोग भित्तिक दक्षता तालीम कार्यक्रम निमन्ते बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछे। एही अवसर में सूचना दे मंत्री ईरानी कहते जहाद्वारा श्रमिक और कारीगर माने अधिक दक्ष और कुशली हो पारे 4,00,000 अधिक श्रमिक एथिरे उपकृत हेबे। मार्च 2018 सुद्धा प्राय 11,14,000 लोक तालीम दि जाता बेले 8,41,000 लोक निजुक्ति सुजोग प्रदान कर सारी। उपर मुंडे प्रबल वर्षा होगा जो जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाई फल हीराकुद जलभंडारू बन्या जल निष्कासन आरंभ हो गत मात्र गोटे गेट्रु प्रथम बन्या जल छड़ा आज 16 गेट खोल जाए। जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाइबा दृष्टि रखी जल संपद विभाग पक्षर यह पदक्षेप नि आज हीराकुद जलभंडार जलस्तर 622 फुट रही मध्याह्न 12 बेलू जलभंडार मध्य प्रति सेकेंड्रे 2,09,000 घनफुट जल प्रवेश करुवा बेले 16 गेट दे प्रति सेकेंड्रे 2,68,666 क्यूसेक जल निष्कासित हो
आसंता कालीर स्थिति देखिबा परे अधिक गेट खोला जीव कि बंद करा जीव से नै निष्पत्ति लिया जीव बोली हीराकुद जल संपद विभाग पक्ष सूचना दिया जाय छे। समाचार मुख्यांश पुणी थरे तेस्तरीतम स्वाधीनता दिवस में प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन कहिले 370 धारा उच्छेद एवं जम्मू काश्मीर पुनर्गठन द्वारा साकार है सरदार पटेल स्वप्न। मोदी घोषणा प्रथम थर लगे देश में तीन बाहन समन्वय रक्षा लगे निजुक्त हे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। धारा 370 उच्छेद पर जम्मू काश्मीर सबु जिले में उड़ीला त्रिरंगा नियंत्रण रेखे पालित है स्वाधीनता दिवस। उत्साह उद्दीपना